मिल रहा है, और इस वर्ष का भी कभी भी अनाउंसमेंट हो सकता है, चूँकि जो पिछले साल है वो मई जून के टाइम पे ही एप्लीकेशन भराना स्टार्ट हुआ था, रजिस्ट्रेशन इसका स्टार्ट हुआ था, परंतु इस बार बहुत सारे कारण के कारण लेट हुआ है, अभी तक नहीं हुआ है। तो इस संबंध में हमने उद्योग विभाग का जो हेल्पलाइन नंबर होता है उनसे बात किया, तो जाके हमें एक महत्वपूर्ण बात जानने को मिली, क्योंकि मैंने YouTube के ऊपर भी बहुत सारे वीडियोस के अंदर देखा कि लोग बता रहे हैं कि फलाने डेट से आ रहा है, इस वर्ष का रजिस्ट्रेशन का डेट ये है वो है, फलाना है ढिकाना है, बहुत सारी चीज़ें लोग बता रहे हैं, परंतु ऐसा अभी कोई भी ऑथेंटिक डेटा नहीं है, ऑथेंटिक जानकारी नहीं है कि कब से रजिस्ट्रेशन ओपन हो रहा है। तो हमने जो हेल्प उद्यमी योजना वेबसाइट की जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर बात किया था, उसका हम आपको एक जस्ट रिकॉर्डिंग दिखाना चाहते हैं, तो देखिए आप ये रिकॉर्डिंग और फिर हम लोग बात करते हैं। OBC अच्छा, जैसे लास्ट ईयर हुआ था ना मैम कि मई जून के टाइम पे विंडो ओपन हो गया था, तो इसीलिए हमने सोचा कि पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, पता नहीं चल रहा है कुछ। जी जी बिल्कुल। अच्छा, इसके संबंध में मतलब कुछ आप रीज़न बता सकती हैं कि ये लेट किस रीज़न से हो रहा है मैम? अच्छा, मतलब जैसे बहुत सारे लोग ये ह्यूमर फैला रहे हैं कि अब ये योजना ही बंद होने वाला है, तो ऐसा कुछ तो नहीं है ना मैम? ओके ओके, बिल्कुल बिल्कुल मैम। जी जी, जैसे मैम मुझे एक चीज़ और जाननी थी लाइक एलिजिबिलिटी के बारे में, कि जैसे मेरा कोई पहले से एग्जिस्टिंग बिजनेस है, ठीक है, हाँ, और मुझे एक नया बिजनेस स्टार्ट करना है, तो उस रिगार्डिंग मैं उसके लिए एलिजिबल हूँ क्या? हाँ, जैसे मतलब हमारा एक सेपरेट बिजनेस ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है, और कोई नया बिजनेस नई जगह पे अगर करना चाहें हम, तो उसके लिए एलिजिबल रहेंगे ना? अच्छा, ओके। बट एक चीज़ ये मुझे क्वेरी थी और, कि जैसे कोई मेरा नया बिजनेस एग्जिस्टिंग बिजनेस है जो कि मैं पहले से कर रहा हूँ, तो मेरा उस बिजनेस के लिए GST? ओके। बट एक चीज़ ये मुझे क्वेरी थी और, कि जैसे कोई मेरा नया बिजनेस एग्जिस्टिंग बिजनेस है जो कि मैं पहले से कर रहा हूँ, तो मेरा उस बिजनेस के लिए GST है पहले से, है ना, और नया बिजनेस के लिए एक बंदा तो GST एक ही ले सकता है, तो उस चीज़ को कैसे देख सकते हैं? हेलो, ओके। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं हेल्पलाइन का जवाब देने वाले, उस मैडम ने हमें बताया कि इस वर्ष का जो रजिस्ट्रेशन का डेट है वो अभी अनाउंस नहीं हुआ है, तो उस संबंध में कोई भी डेवलपमेंट होते हैं तो वो वेबसाइट के ऊपर ही बताया जाएगा। अभी जब हमने उनसे पूछा कि क्या कारण है, क्या रीज़न है कि अभी पिछले साल तो इस टाइम तक अनाउंस हो गया था, रजिस्ट्रेशन अपना स्टार्ट हो गया था, परंतु इस वर्ष ऐसा क्यों नहीं हुआ है,
तो मैडम के द्वारा बताया गया कि जो पिछले वर्ष जिन लोगों का अप्रूव हुआ था, जिन लोगों का फाइनल हुआ था कि इनको ऋण मिलना है, लोन मिलना है, उन सभी लोगों का अभी फाइनल अमाउंट डिस्पर्स नहीं हो पाया है। बहुत सारे लोगों का हुआ भी है, बहुत सारे लोगों का नहीं भी हुआ है। तो यही कारण है कि इस वर्ष के रजिस्ट्रेशन में थोड़ी सी देरी हो रही है, परंतु कभी भी ये अनाउंस किया जा सकता है रजिस्ट्रेशन की तिथि। तो आप सभी लोग उससे संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप लोग तैयार रखें, ताकि जब भी डेट आए तो आपको किसी भी तरह से डॉक्यूमेंटेशन की कोई भी प्रॉब्लम ना देखने को मिले। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, इसके लिए हम लोग चलते हैं डायरेक्ट udyami.bihar.gov.in। जो उद्यमी योजना बिहार का ऑफिशियल वेबसाइट है, उसके ऊपर ही हम लोग डायरेक्ट चलते हैं और देखते हैं कि इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है और एलिजिबिलिटी की क्या क्या क्राइटेरिया होती है। चूँकि मैं आपको कुछ बताऊँ, हो सकता है उसमें कुछ त्रुटि भी हो, डायरेक्ट वेबसाइट से जो आप देखेंगे तो वो ज़्यादा ऑथेंटिक होगी। और आपको कहीं भी इधर उधर की बातों में नहीं जाना है कि फलाना डेट आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, जो भी डेवलपमेंट होते हैं वो सारे आपको udyami.bihar.gov.in के वेबसाइट से देखने को मिल जाएगा। तो आप उससे संबंधित सारी जानकारी वहां से ले सकते हो। जो बेसिक क्राइटेरिया है इस लोन के पात्र लोगों की, वो है कि आप कम से कम 18 वर्ष के होने चाहिए, आपकी जो उम्र है वो 18 साल की होनी चाहिए, आप बिहार के अस्थायी निवासी हों, इसके अलावा आप कम से कम इंटरमीडिएट आपने पास किया हो, मतलब 12th आपने पास किया हो, किसी भी डिवीज़न से किया हो, कितना भी परसेंटेज मार्क हो, कोई बैरियर नहीं है, बस आप 12th पास हो और बिहार के अस्थायी निवासी हो, आपकी उम्र 18 साल से अबव हो, ठीक है। तो ये बेसिक क्राइटेरिया है। इसके अलावा अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से आपको अलग अलग बेनिफिट्स देखने को मिलेगी। तो जैसा भी रहता है, आप चैनल से हमारे जुड़े रहिए, इसके संबंध में जो भी अगर कोई भी नई अपडेट आती है तो आपको हमारे इस चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ें काफ़ी समझ में आई होंगी, मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे पाया हूँ। यदि आप लोगों को लगता है कि हमारा ये एफर्ट आपके लिए कुछ काम में आ रहा है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। कैसा लगा हमारा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और भी कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, हमारी कोशिश होगी कि एक एक कमेंट का आपका जवाब दिया जाए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी अन्य इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।